और उधर पुलिस ने मदरसे में नकली नोट छापने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 100-100 के नकली नोट मिले हैं। ये 100-100 के नकली नोट इसलिए छापते थे क्योंकि 100 के नकली नोट पर कोई शक नहीं करता था और इस पूरे खेल में मदरसे का मौलवी भी शामिल था। तो मदरसे में नकली नोट की फैक्ट्री का खुलासा हुआ। हबीबिया मदरसे में नोट फैक्ट्री एक तरीके से पकड़ी गई। यहाँ से यहाँ के जो प्रिंसिपल थे उनकी गिरफ्तारी हुई। तमाम जो खुलासे हुए उसको लेकर के पुलिस ने जानकारियां शेयर की हैं। मदरसे के जिम्मेदार क्लर्क के तौर पर अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताएं, यहाँ पर जो ये नोट संचालित फैक्ट्री बनाई जा रही थी, एक तरीके से संचालित की जा रही थी, इसके बारे में आपको कब जानकारी मिली कुछ इसके बारे में? जब पुलिस आई परसों, जब पुलिस आई तो हम लोग उससे पहले कुछ नहीं माना। ये तफसीरुल साहब यहाँ कितने दिनों से रह रहे थे, इनके बारे में? ये तो बचपन से पैदा होने के बाद यहीं आ गए, बचपन से यहाँ रह रहे हैं अब्बा अम्मा के साथ। किस पद पे थे यहाँ पे? ये तो प्रिंसिपल की हैसियत रखते हैं। अब इनके जो कारनामे हैं वो उजागर हुए हैं, आपको लगता है कि इस तरीके का जो काम इन्होंने किया है इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, वो नहीं है इसमें, वही है अब्दुल जाहिर मेन आदमी जो है, तो वो उसकी दोस्ती यारी में वो जो है साथ में। ये कमरा यहाँ पर उनको किराए पे दिया, क्या कमरा किराए पे दिया था या ऐसे ही दिया था? दोस्ती थी दोनों में, अब बाकी हम नहीं बता पाएंगे। जाहिर को आप कितने दिनों से जानते हैं, कब से? पढ़ता था यहाँ, पढ़ के फारिग हुआ। 3-4 साल हो गए यहाँ से फारिग हुआ। फारिग होने के बाद में कोई दवे का कारोबार और कहीं मशीन का कारोबार, ये सब कारोबार करता रहा। और उनके पास भैया पास यानी तफसीर आरिफीन पास में आता जाता रहा, वो इतना जानते हैं बस। अब जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं बड़े गंभीर आरोप हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, अगर अब जैसा कि पेपर वगैरह बता रहा है, मीडिया बता रहा है कि ऐसा हुआ है, तो गलत तो हुआ ही। एक मदरसे के भीतर ये चीजें करना कितना मदरसे में नहीं है बिल्कुल, वो समझ लीजिए। नहीं, कमरा तो इसी मदरसे का है ना, पार्ट है। हाँ है, ऊपर है, बिल्कुल सेपरेट है बिल्कुल वो। उधर प्रयागराज से जाए मदरसे में नकली नोट छापने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने मदरसे से रंगे हाथों नकली नोट छाप रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में मदरसे का मौलवी भी शामिल है। मदरसे में नकली नोट छापने का ये खेल कई महीने से चल रहा था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर ये जानने की कोशिश कर रही है कि उन्हें कहाँ कहाँ नकली नोट चलाए हैं, कहाँ कहाँ सप्लाई किए गए। बक्से में कैद 100-100 रुपए के ये नोट नकली हैं, जिन्हें इस जामिया हबीबिया मदरसे से बरामद किया गया है। जी हाँ, जिस मदरसे में मजहबी तालीम दी जाती है उसी मदरसे की आड़ में नकली नोटों का खेल चल रहा है। पुलिस ने दबिश डालकर इस मदरसे से 1300 नकली नोट बरामद किए। वहीं पे सारा प्रिंटिंग का काम, फिनिशिंग का काम, कटिंग का काम वहीं पे होता था और वहीं पे ये नोट तैयार करके फिर मार्केट में बेचने के लिए लेके जाते थे। पुलिस ने नकली नोट के इस स्कैंडल में मदरसा के प्रिंसिपल मोहम्मद तफसीरुल को भी गिरफ्तार किया है। तफसीरुल ने मदरसे का एक कमरा जाहिर खान को दिया था, इसी कमरे में नकली नोट छापे जाते थे। प्रिंसिपल को इन कारनामों की पूरी जानकारी थी। बाकायदा नकली नोट के कारोबार में प्रिंसिपल तफसीरुल भी शेयर होल्डर था। पुलिस को मदरसे से 100-100 के 1300 नकली नोट मिले हैं। नकली नोट बनाने के लिए इस्तेमाल स्कैनर, प्रिंटर और कागज भी बरामद हुए हैं। पिछले 3 महीने से मदरसे के अंदर नकली नोट बनाने का खेल चल रहा था। मार्केट में नकली नोट सप्लाई करने के लिए मोहम्मद अफजल और मोहम्मद शाहिद जुटे थे। 15,000 रुपए असली नोट के एवज में 45,000 के नकली नोट दिए जा रहे थे। अब तक ये गिरोह लाखों के नकली नोट मार्केट में खपा चुका है। पुलिस नकली नोट के सरगना जाहिर खान से जुड़े लोगों की पड़ताल कर रही है। पता ये लगाया जा रहा है कि कहीं इस गिरोह के तार और कहीं से तो नहीं जुड़े हैं। मोहम्मद गुफरान, प्रयागराज, जी मीडिया।